नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पन सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु जी चैनल। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आया हूं मोहाली में, जो एग्री एक्सपो का जो मेला लगा हुआ है। यहां पर एक कंपनी आई है गोल्डन पंजाब, और ये थ्रेसर और कई सारी मशीनें बनाती है, जैसे रीपर बनाती है और सुपर सीडर भी बनाती है, कई सारी मशीनें बनाती है। तो हम अभी जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बातचीत करके आपको जो है पैड़ी धान मशीन के बारे में पहले आपको बताएंगे। हमारे किसान भाई किस माध्यम से इस मशीन को खरीद सकते हैं, क्या इसकी विशेषता है और कौन कौन सी फसल की जो हम इससे निकाल सकते हैं। तो हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है। तो हमारे किसान भाइयों को आपकी जो पैड़ी धान मशीन है इसके बारे में बताइए, थ्रेसर मशीन है ये। जो हमारी गोल्डन पंजाब की पैड़ी थ्रेशर, ये स्पेशल पैड़ी के लिए है। ऐसे ही हमारे और कई मॉडल अवेलेबल हैं जो स्पेशल गेहूं के लिए है और मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, सभी अन्य और फसलों के लिए, क्रॉप के लिए वर्तों में लाए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो जो पैड़ी थ्रेशर है, 6 फीट पैड़ी थ्रेशर है। इसका रूटर पत्ती ये 6 फीट थ्रेशर है। और आप जो ये पीछे देख रहे हो जो एलिवेटर लगा हुआ है, एलिवेटर लगा हुआ है, आप जो इसका जो सीड है, तो आप धान को ट्रॉली में लेना चाहते हो तो ये उसी के लिए इसकी वर्तो की जाती है। आप ऐसे इसे ट्रॉली में सीधा इसको धान को जो है ले सकते हो। तो आप चाहो तो एलिवेटर के विदाउट बिना भी यहाँ से आप डायरेक्टली एक बोरी लगाकर आप यहाँ से भी इसको जो धान को है यहाँ से ले सकते हो। तो इसके ये 4 फैन हैं, आपको ये 4 फैन वाला जो मॉडल है, 1, 2 और 3, और ये एक यहाँ पंखी लगी हुई है, 4 फैन वाला मॉडल है। अच्छा, तो और मॉडल भी होते हैं आपके पास, और भी मॉडल हैं इसमें। और ये जैसे कि 6 फीट है, इसमें एक और मॉडल है 6.5 फीट होता है। तो यहाँ से जो है डाला जाता है, जो धान है यहाँ से उसको डाला जाता है, और दूसरी तरफ से जो इसका भूसा है तो वो वहाँ से निकलता है, और उसके और 3 फिल्टर आउटलेट दिए हुए हैं। तो ये हैवी फोटा स्टैंड है। तो आज आपको आगे दिखाते हैं कहाँ से ये पराल फेंकता है और कितना दूर फेंकता है, भूसा वगैरह कहाँ से फेंकता है, बताइए आप। आप देख सकते हो ये जो आउटलेट बना हुआ है, ये भूसा फेंकने के लिए ये 15 से 20 फीट दूर भूसा फेंकता है। और ये जो 3 आउटलेट दिए हुए हैं, ये जो धान के ऊपर जो छिलका होता है जिसे हस्क बोलते हैं, वो उसे निकालने के लिए इसकी वर्तो की जाती है। और ये 1 घंटे में कितने बीघा जो है धान को निकाल सकती है, ये 1 घंटे में? सर, इसकी जो कैपेसिटी है ये 2000 से 2500 केजी की इसकी कैपेसिटी रहती है। तो कोई धान जब हम कुटाई करते हैं उस टाइम टुकड़े वुकड़े तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी समस्या नहीं आती। हम 1965 से काम करते आ रहे हैं इसमें, जो इसे बहुत ही अपडेट बना रखा है। अरे, कभी कभी ऐसा होता है कि भूसे के साथ में जो भूसा होता है इसका, धान का जो वो निकल के जाता है, कचड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, चावल को फेंक देता है। नहीं, इसमें ऐसी बिल्कुल समस्या नहीं आती सर, बिल्कुल समस्या नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं। आप गीला सूखा जैसा भी हो वैसा भी ये निकाल देता है, उसके ये लिए काबिल, काफ़ी अच्छा है ये। तो हमारे किसान भाई इस मशीन को खरीदना चाहें, जो आपकी गोल्डन पंजाब थ्रेसर है जी, तो क्या प्राइस रखी है इस मशीन? इसका प्राइस है जो सर 2 लाख से 2 लाख 25 हज़ार के बीच में इसका प्राइस जो रहता है। अच्छा, कितने दिन में कंप्लीट करके दे देते हो इसको? ये तो अवेलेबल, आप ऑर्डर को मिलने से 1 हफ्ते में आप हमको ये हम अवेलेबल करवा देते हैं। तो कुछ इस प्राइस में कोई कमती बढ़ती? ये डिपेंड ऑन कंडीशन पे है, मार्केट के प्राइस पे, लोहे के मार्केट पे है। अगर किसी कंडीशन में लोहे के मार्केट की जो है बढ़ोतरी होती है, तब इसके प्राइस में चेंजेस हो सकती है। तो अभी आपका जो गोल्डन पंजाब सुपर सीडर है इसके बारे में बताइए, काफ़ी अच्छा शानदार लग रहा है, आप इसके बारे में बताइए, इसकी प्राइस वगैरह क्या क्या जो है हम जुताई कर सकते हैं बीज जी सर। आप देख रहे हैं जो हमारा ये गोल्डन पंजाब का सुपर सीडर है, ये गेहूं की बुझाई के लिए, बुझाई करने के लिए जाना जाता है। और ये जो है हमारे पास ये डिस्क मॉडल है, इसमें हमारे 3 मॉडल हैं, 7 और 8 फीट में। 8 फीट में 2 मॉडल हैं जिसमें 13 डिस्कें लगी रहती हैं, और इसमें 13 डिस्कें हैं, ये सबसे बड़ा मॉडल है। और इसमें एक 8 फीट में और मॉडल आता है जिसमें 12 डिस्कें लगी रहती हैं। इसमें जो खासियत ये है सर कि जो डिस्कें ये लगी हुई हैं ये आगे से बंद रहती हैं इसमें, और पराल फंसने की समस्या नहीं आती इसमें। आगे जो काम करता है वो है रूटावेटर। तो जो ये डिस्कें हैं, इसको डिस्कों को चलने के लिए हमने कोई भी जो है कि चेन और गेयर से कोई ड्राइव नहीं दी हुई, इसलिए जो ट्रैक्टर पे लोड पड़ता है वो ओनली रूटावेटर का पड़ता है, और ट्रैक्टर जो है कि अच्छे से काम करता है। तो सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी, आप जुताई के साथ साथ आप बुवाई भी कर सकते हैं जी सर।
कि जो खेत में ट्रैक्टर दो तीन बार चलना होता है उससे इससे अच्छा है कि सिर्फ एक बार ही ये काम कर देता है। आगे ये रोटावेटर है जो इसके ब्लेड लगे हुए हैं, बोरन स्टील ब्लेड लगे हुए हैं, JF टाइप ब्लेड है। इसको तो बीज को एडजस्ट कर सकते हैं क्या, कितना हाँ, बीज डालना है हमें? ये जो आप देख रहे हो ये एडजस्टमेंट करने के लिए 0 से 15, 30, 45 से 60 है। आप जितना डालना चाहो उसके यहाँ आपने 75 पे 60 पे 45 से जहाँ सेट करोगे उतना ही डालेगा ये। आपके सुपर सीडर की प्राइस क्या रखी है आपने कंपनी? जो हमारा ये प्राइस है ये 255 से 265 तक ये इसका रहता है तीनों मॉडल का। तो अभी आपने जो ये लेवलर रखा हुआ है मांझा, कंप्यूटर मांझा, इसके बारे में बताइए आप, कितनी चौड़ाई है और क्या इसकी खासियत है? जो आप ये हमारा लेजर लैंड लेवल देख रहे हैं ये 8 फीट है। जो इसके टायरों की बात करें तो ये नाट 11 और हैवी पूरे गुडियर के टायर हैं। जो इसकी जो बॉडी रहती है पूरी हैवी आयरन बॉडी रहती है, 8 mm और 10 mm के ये इसके पल्ले रहते हैं। जो ये सुंड देख रहे हो ये पूरी हैवी है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन की है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी की इसकी पाइप रहती है और ये काफ़ी स्ट्रांग है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है हुड्डा का डिस्ट्रीब्यूटर लगा रहता है इसमें। और इसकी जो ये हब है ये काफ़ी झूले वाली हब है, इसमें वाइब्रेशन की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। और इसका जो सिस्टम है कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसकी भी गारंटी वारंटी काफ़ी है, अच्छा है, वाटरप्रूफ सिस्टम है। और उसकी जो लेज़र है जो 6 mm उसकी लेज़र है और 2 साल की उसकी गारंटी वारंटी रहती है। तो चौड़ाई वगैरह कितनी होती है इसमें? इसकी जो चौड़ाई है ये 6 फीट से 7, 8 और 9 फीट साइज़ में ये अवेलेबल रहते हैं। तो प्राइस क्या रखी है आपने इसकी? इसका जो प्राइस रखा है हमने ये इसका है 265 है और जो 9 फीट वाला है उसका है 270 प्राइस। तो इसकी इस पर सब्सिडी भी मिलती है क्या? जी सर, ये सभी जो आपने पैडी थ्रेशर और सुपर सीडर देखा है और ये लेजर लैंड लेवलर है ये सभी पे सब्सिडी अप्रूव है। हमारी जो ये मशीनें हैं ये गवर्नमेंट से यूनिवर्सिटियों से अप्रूव करवा रखी है, ये अप्रूव्ड है। तो आप अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रीपर के बारे में बताइए सर, इसकी क्या खासियत है, कौन कौन सी फसल काट सकते हैं इससे? बिल्कुल सर, ये जो गेहूं है गेहूं के पराल की जो भूसा बनाने के लिए इसकी जो वर्तु की जाती है। और ये 7 फीट इसका जो कटर रहता है और उसका जो ड्रम है 56 इंची इसका ड्रम रहता है। जो ये आप फिंगर देख रहे हो कास्टिंग की फिंगर लगी हुई है, पूरी हैवी फिंगर लगी हुई है। और इसके जो पीछे फरी लगी होती हैं, पंखा लगा होता है, उसकी जो पत्ती होती है फरी की तो वो भी 4 mm की रहती है। इसकी जो फुल बॉडी है वो फुल हैवी आयरन बॉडी है, 4 mm की इसकी हैवी आयरन बॉडी लगी रहती है। तो इसकी प्राइस क्या रखी है सर आपने? इसकी प्राइस सर 3,30,000 इसकी प्राइस है। तो गारंटी वारंटी क्या है? हाँ, गारंटी इसकी 1 साल की गारंटी रहती है। यदि कोई पार्ट्स में टूट फूट हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ, रिप्लेस इसकी सर्विस दी जाती है, हमारा फोरमैन वहाँ अवेलेबल रहता है कस्टमर की सर्विस के लिए और रिप्लेस में इसका जो पार्ट्स है वो कर दिया जाता है। तो हमारे किसान भाई इस किस माध्यम को खरीद सकते हैं इन मशीनों को आपकी? अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे पंजाब में यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल और अन्य स्टेटों में हमारे डीलर्स वहाँ अवेलेबल हैं, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आप कंपनी से भी डायरेक्ट इसे ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो मेरे किसान भाइयों, गोल्डन पंजाब ये कंपनी है जो कि थ्रेसर भी बनाती है और आपको रीपर भी बनाती है, लेवलर भी बनाती है और सुपर सीडर भी। तो आप कोई भी मशीन खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, शायद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। जय जवान जय किसान।